दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त की राशि कब भेजी जाएगी, साथ ही इस बार आप लोगों को 10वीं किस्त की राशि कितनी भेजी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के काफी सारे लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इस बार 10वीं किस्त की राशि कितनी आने वाली है। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लाडली बहना योजना हर बार की तरह इस बार 10 तारीख को आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एमपी के सीएम मोहन यादव ने 10वीं किस्त को लेकर डेट में बदलाव किए हैं। मोहन यादव ने महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों को देखते हुए 1 मार्च को ही 10वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। यानी कि लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त की राशि वो आप लोगों को 1 मार्च 2024 को आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों को 10वीं किस्त की राशि कितनी आएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लगातार पिछली कई किस्तें सिर्फ 1250 रुपए ही ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि 9वीं किस्त की राशि भी 1250 रुपए ही खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। और अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार 10वीं किस्त की राशि बढ़ाकर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीएम मोहन यादव इस बार 10वीं किस्त की राशि कितनी ट्रांसफर करने वाले हैं वो भी पहले ही बता दिए हैं। यानी कि आप लोगों के खाते में 1 तारीख को लाडली बहना योजना की राशि वो 1250 रुपए ही ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे इस राशि को टाइम टू टाइम बढ़ाई जाएगी, जो कि 1000 से लेकर के 1250 रुपए तक बढ़ाई गई थी, और अब तक 1250 रुपए ही सभी लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब ये राशि कितने किस्तों के बाद बढ़ेगी इसको लेकर के कोई भी सरकार की तरफ से ऑफिशियल आदेश नहीं जारी किया गया है। तो दोस्तों राशि बढ़ने को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। हो सकते हैं कि आप लोगों को अगली बार 11वीं किस्त की राशि जरूर बढ़ाकर दिए जाए। इसको लेकर के आपके मन में क्या राय है, अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी दोस्तों जैसे लाडली बहना योजना से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा।